तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप कुछ इस तरह के इमेज को जनरेट कर सकते हैं और आप अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर अपलोड कर सकते हैं या आप अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इमेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है बिंग ऐप। बिंग ऐप आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको ऊपर में ही एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाता है, इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, क्या है कि आप बिंग ऐप की जो वेबसाइट है उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्लीकेशन होता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से ओपन करना है और जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप पहली बार इस ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको अकाउंट को क्रिएट करना होता है अकाउंट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करके। तो दोस्तों, किस तरह से न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है उस पर वीडियो अपलोड है जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देखकर अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इमेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐप्स वाले, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप्स वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो इस ऐप में जितने भी फीचर्स होते हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है आपको इमेज क्रिएटर, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होता है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोमोट को या टाइटल को इंटर करके आप अलग अलग तरह की इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इस तरह की इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हम एक प्रोमोट को यहाँ से कॉपी किए हैं जो कि पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम प्रोमोट को पेस्ट कर लिए हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि बॉय के इमेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम गर्ल के इमेज को क्रिएट करने के लिए बताएंगे। जो दोस्तों, यहाँ पर हम एक प्रोमोट को इंटर कर लिए हैं और क्रिएट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लेता है और उसके बाद आपका इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह से जनरेट हो जाता है जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 10 से 15 सेकेंड वेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इमेज देखने के लिए मिल जाता है। आपके नाम के साथ कुछ इस तरह से इमेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो भी आपको पसंद है उसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर 3 डॉट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट मिलता है, इसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप अपने इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बॉय के लिए हो गया। चलिए अब गर्ल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है कि ये बॉय लिखा है, यहाँ पर आपको शुरू में ही यहाँ पर इंटर कर देना है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इंटर करना है, ये बॉय की जगह आपको एक गर्ल लिखना है। यहाँ से हम लिख देते हैं और गर्ल यहाँ पर कुछ इस तरह से हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको जिस भी नेम से यहाँ पर बनाना है वो यहाँ से आपको नाम को लिख देना है। तो यहाँ से चलिए हम एक नाम को इंटर कर लेते हैं। यहाँ से नाम इंटर करने के बाद कुछ इस तरह से आपको क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा समय लेता है, 10 से 15 सेकंड का समय लेता है और आपका भी इमेज जनरेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका भी इमेज कुछ इस तरह से जनरेट हो जाता है। जो भी आपको पसंद है उसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 3 डॉट, इसी पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गर्ल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपना फोटो, बॉय किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपना फोटो, ये दोनों हम यहाँ पर बता दिए हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप कुछ इस तरह के इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।